नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में आज मिले 6413 नए कोरोना मरीज, पटना में सबसे ज्यादा 2014 केस। शिक्षा विभाग में बड़ा गड़बड़ झाला, करीब 300 नियोजित अभ्यर्थियों को 6 माह बाद किया गया रद्द। बिहार दरोगा बहाली के सफल अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र, जिला बल में होगा योगदान। सीएम की मांग के बावजूद बिहार को केंद्र ने नहीं दिया यूरिया का कोटा, खाद के लिए परेशान है किसान। छपरा नगर निगम के ऑफिस में बूस्टर डोज कैंप का हुआ उद्घाटन, फ्रंट लाइन वर्कर से हुई शुरुआत। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीएमजी की हुई बैठक, नहीं दी गई कोरोना गाइडलाइन में किसी तरह की छूट। बिहार के 25 आईएएस अधिकारी 5 राज्यों के चुनाव में जाएंगे, चुनाव आयोग का आदेश जानिए। तो चलिए खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। बिहार में बेकाबू हो रही कोरोना की तीसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में आज एक बार फिर से बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह बेहद चिंताजनक है। बिहार में आज कुल 6413 कोरोना के नए मामले मिले हैं। इनमें से कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस पटना में है। पटना में 2014 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर समस्तीपुर जिला है जहाँ 506 केसेस मिले हैं। पहले दूसरे नंबर पर गया जिला था जहाँ आज 185 नए मरीज मिले हैं। अब दूसरे नंबर पर समस्तीपुर जिला आ गया है जहां पटना के बाद सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। बिहार में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 28,659 हो गई है। पूर्णिया के शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि नियोजित हुए अभ्यर्थियों को 6 माह बाद रद्द किया गया है, वो भी तब जब ये अभ्यर्थी अपने योगदान के लिए तैयार बैठे थे। आरोप प्रत्यारोप के बीच नियोजित अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी का घेराव कर पुरजोर हंगामा किया था और अब सार्थक वार्ता सम्पन्न हुई। दरअसल 2021 के जुलाई और अगस्त में नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हुई थी, जिसके बाद पूर्णिया जिले से हजारों शिक्षकों का नियोजन हुआ था। तब से लेकर सभी अभ्यर्थी अब योगदान देने के इंतजार में बैठे थे कि इनमें से करीब 300 नियोजित अभ्यर्थियों के नियोजन रद्द करने की अनुशंसा का पत्र जारी हो गया है। इस पत्र के मिलते ही इन अभ्यर्थियों में खलबली मच गई और कुछ कर शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंच गए। पहले जमकर हंगामा बरप पड़ा, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और शिक्षा विभाग पर संगीन आरोप लगने शुरू हो गए। हंगामे को शांत कराया गया और नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी से वार्ता तय हुई। नियोजित शिक्षकों की तरफ से गोप गुट के अध्यक्ष अरविंद सिंह और 3 नियोजित शिक्षक वार्ता में शामिल हुए। वार्ता संपन्न होने के बाद अरविंद सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से सार्थक वार्ता हुई है, जो आदेश जारी हुआ है उसे वापस लेने में परेशानी आएगी, इसीलिए एक नया मेमोरेंडम सौंपा जाए जिसे विभाग को लिखित देकर नियोजन को पुनः लागू करवाया जाएगा। वार्ता से सहमत नजर आए अरविंद सिंह ने इस पूरे मामले में विभाग की गलती बताई है। बिहार में दरोगा और सार्जेंट बहाली के लिए सफल अभ्यर्थियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। सफल अभ्यर्थियों को अब जल्द ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अगले 4 से 5 दिनों में नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल यह मामला कोर्ट तक जा पहुँचा था। पटना हाईकोर्ट में सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला किया है और उसके बाद अब फैसले की कॉपी मिलने के बाद मुख्यालय ने की तैयारी पूरी कर ली है। जनवरी महीने में ही सफल अभ्यर्थियों को योगदान करा लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सफल अभ्यर्थियों को योगदान दिलाने के लिए मुख्यालय ने जो नीति बनाई है उनके मुताबिक उन्हें जिला बल में योगदान कराया जाएगा। जिला बल में योगदान करने के बाद उन्हें प्रशिक्षु दरोगा के तौर पर 2 महीने तक का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें अप्रैल महीने में बिहार पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। मुख्यालय फिलहाल इसी कार्य योजना पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है और अगले 1 से 2 दिनों में इस संबंध में आदेश जारी हो जाएगा। बिहार में खाद की कमी का मुद्दा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र से बिहार को 26% यूरिया कम मिला है। जिलों से आए दिन खाद के लिए किसानों की जद्दोजहद देखने को मिल रही है। इसको लेकर राजद ने सरकार पर निशाना साधा है। राजद के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ है जिसमें लिखा है कि बिहार में कथित डबल इंजन सरकार, एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसद, 5 केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, 2-2 उप मुख्यमंत्री, फिर भी बिहार को खाद तक का वाजिब हक नहीं मिला। अरे जनता का खून चूस कुर्सी से चिपक, बिहार को दीमक की तरह खाने वाले बेशर्म कुर्सी वादियों, शर्म करो शर्म। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राजद के
ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है। बता दें कि बिहार में खाद की कमी का मुद्दा सांसद तक भी जा पहुंचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद खाद की कमी को स्वीकार किया था। राज्य सरकार के बार बार के अनुरोध और केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद भी राज्य में यूरिया की आपूर्ति को निर्धारित मात्रा में नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार बिहार को कोटा पूरा नहीं कर पा रही है। बिहार को 74% यूरिया प्राप्त हो सका है। देश में आज से कोविड-19 का बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में आज छपरा नगर निगम के प्रांगण में कोविड-19 का प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज कैंप का उद्घाटन मेयर सुनीता देवी छपरा नगर निगम के द्वारा किया गया। विशेष कैंप कल से 15 वर्ष से 18 वर्ष के लाभुकों को नगर निगम के प्रांगण में कैंप के माध्यम से टीका दिया जाएगा। आज के कैंप में सभी फ्रंट वर्कर नगर निगम के कर्मचारियों को ये टीका दिया जा रहा है। इस टीका को लेने से किसी भी प्रकार का कोविड नहीं होगा। ये टीका वही व्यक्ति ले सकता है जिसका दूसरा डोज का 9 महीने पूरे हो चुके हैं, वहीं ये टीका ले सकते हैं। आज कैंप के माध्यम से सभी लगभग 400 सफाई कर्मी को प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। आज के कैंप में मेयर सुनीता देवी ने कहा कि ये बूस्टर डोज सभी नगर निगम कर्मचारियों के लिए जीवन में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में आज पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठक हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक में कोरोना गाइडलाइन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखने का निर्देश सभी डीएम, एसपी और सिविल सर्जन को दिया गया है। वहीं कोरोना के नए मामले, टेस्टिंग और रिकवरी पर ध्यान देने की बात बैठक में कही गई है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। कोरोना को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कोरोना गाइडलाइन में कोई छूट नहीं दी गई है। दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के 25 आईएएस अधिकारी भी अपनी सेवा देंगे। इन अधिकारियों को 5 राज्यों के अंदर केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिकारियों की लिस्ट पहले ही जारी कर रखी है और अब 14 जनवरी को इनकी एक बैठक भी वर्चुअल तरीके से बुलाई गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इन अधिकारियों को इस बैठक के लिए सूचना भी जारी कर दी गई है। में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, इसको लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वहीं बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना की लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सिविल सर्जन के नेतृत्व में अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट में आई कमियों को दुरुस्त करने के लिए संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की तैयारी है। अस्पताल के कोविड-19 वार्ड को सभी सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही वेंटिलेटर ऑपरेटर की बहाली की भी प्रक्रिया चल रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, जो फिलहाल आज से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावे सभी जिम, मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है। में ठंड बढ़ने लगी है, हर दिन तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और अन्य उत्तरी राज्यों से आ रही सर्द पछुआ हवा के आने और नमी की वजह से कुहासा के साथ साथ फिर कनकनी बढ़ गई है। आने वाले 2 दिनों तक पटना सहित पूरे बिहार कोल्ड डे की चपेट में रहेगा। वहीं मंगलवार की शुरुआत भीषण कुहासे से हुई। दोपहर में हल्की धूप निकली थी, शाम होते ही ठंड के असर की वजह से लोगों को घर में कैद रहने के मजबूर कर दिया। बता दें कि मंगलवार को पटना, गया, पूरा बांका, पूर्णिया, छपरा, फरीदगंज समेत कई शहर कोल्ड डे की चपेट में रहा। राज्यभर में पटना में सबसे घना कोहरा छाया रहा और इस सीजन में पहली बार विजिबिलिटी 100 मीटर थी। हालांकि दिन होते ही कुहासा छटा, हल्की धूप निकली पर शाम में फिर कुहासा छा गया था। राजधानी पटना से एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा पर 6 लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे उत्तर बिहार आना जाना आसान हो जाएगा। इसको लेकर DPR तैयार कर लिया गया है, बहुत जल्द ही पुल निर्माण तैयार हो जाएगा। बता दें कि पटना के दीघा और सारण के सोनपुर के बीच JP सेतु के समानांतर प्रस्तावित पुल अब 4 लेन की जगह 6 लेन का बनेगा। गुरुवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक तथा पथ निर्माण
विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के बीच हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति बनी है, जिसकी जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना।